गर्मी प्रचंड, तापमान चरम पर, बोझ विद्युत विभाग पर, ऐसे में कभी ट्रांसफार्मर ओवरलोड के चलते फूक जा रहे हैं। ये सारी समस्या का कारण भीषण गर्मी के कारण है। विद्युत विभाग अपनी व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त करने में लगा है, जिससे आमजन को सुविधा हो। उत्तर प्रदेश सरकार की मंशा है कि विद्युत आपूर्ति निर्बाध रूप से चलती रहे, किसी को विद्युत के चलते परेशानी ना। बात आजमगढ़ की जाए तो खंड प्रथम में 154 नए ट्रांसफार्मर लगाए गए और 130 की क्षमता में वृद्धि की गई है। पिछले वर्ष की तुलना में 40% ज्यादा की खपत इस वर्ष देखी जा रही है। अगर कोई समस्या आती है तो उसको तत्काल ठीक कराना हमारा उद्देश्य है। ये बातें बताई हैं विद्युत विभाग के उच्च अधिकारी ने। उन्होंने आगे बताया कि नई योजना के अंतर्गत हमने केबल की क्षमता की वृद्धि की है, नए केबल लगवाए हैं और जो योजना आई थी उसका 70% हमने पूर्ण कर लिया है। हम विभिन्न एजेंसी के साथ अपने विभाग के कर्मचारी व अधिकारी के माध्यम से समस्या का निस्तारण कर रहे हैं। सर, इतनी गर्मी पड़ रही है और तमाम तापमान भी ज्यादा है, तमाम सर ट्रांसफार्मर, कितने सर ट्रांसफार्मर लगे और कितने सर पुराने हैं, कितने नए सर लिया है, क्या है सर इसका कारण, किस तरीके से अभी जो बिजली विभाग के जो हमारी योजनाएं आई थी उसमें खंड प्रथम के अंतर्गत 154 नए ट्रांसफार्मर लगाए गए हैं तथा करीब 123 जो स्थापित परिवर्तक हैं उनकी क्षमता वृद्धि की गई है। वर्तमान में हम 40% से ज़्यादा पिछले साल के सापेक्ष ऊर्जा की खपत देख रहे हैं। मई 23 और मई 24 का अगर कंपेयर करें तो 39.7% ऊर्जा की खपत बढ़ गई है, जो कि काफ़ी अप्रत्याशित थी। इसी कारण थोड़ा बहुत कहीं लोकल पे डाउन भी अगर हो रहे हैं तो उनको तत्काल हमारी जो मेंटेनेंस एजेंसीज हैं, गैंग्स हैं, हमारे जो लाइनमैन हैं, संविदा कर्मी हैं, जेई हैं, एसडीओ हैं, सभी लग करके उसको सॉल्व कर रहे हैं ताकि उपभोक्ताओं को निर्बाध 24 घंटे विद्युत आपूर्ति उपलब्ध कराई जा सके। सर,